सबसे बड़ा रावी भी कोई आका मुश्किल से मिलेगा जिसको किसी न किसी ने जईफ न कहा। और जईफ तरीन रावियों को भी बाद का किसी ने उसकी कोई तारीफ कर दी है। चुनाचे एक बार मुकल हदीस मुझे कहने लगा, कहने जी लात लात लमन लम यक रावे फात है, तेरी किताब ये जो हदीस है इसके रावी पर कोई एतराज कर सकता है सरम पर? मैंने कहा ये पूछेंगे कोई सरम का रावी बच सकता है? आप करें। मैंने कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को किताब जरे तालीम में जईफ और मतरूक लिखा गया है, जिन्होंने अभी हाथ में लिखा है और उनको शहीद करने वाली उनकी अथाकता है, और लिखने वाला खुद उनसे सुनकर लिख रहा है कि दरमियान में समझ नहीं है। मैंने कहा पहले तो यहाँ आ जाएगी बात। फिर मैंने कहा इसी संद में उनके उस्ताद है अली बिन अब्दुल्ला मदीनी, ये वही है जिन्होंने झूठी गवाही देकर इमाम हम यहाँ को कोय लगाया। मैंने कहा पहले तो यहाँ आ जाएगी बात। फिर मैंने कहा इसी संद में उनके उस्ताद है अली बिन अब्दुल्ला मदीनी, ये वही है जिन्होंने झूठी गवाही देकर इमाम हम यहाँ को कोय लगाया। और वो काली ने जो आकाम इस पर खूब लादे की है, और जहाँ भी बेचारे मैदान में चीख रहे हैं कि वो काली अब माफ में लगा या काली अकल नहीं है इस तरह को जईद का दोगे तो हदीस कहाँ से देंगे, लेकिन वो बात का इनकार नहीं कर सके कि उन्होंने ये काम किया। उनका आगे उनके उस्ताद सुफयान बिन उयैना है जो मुखलत है, आगे उनके उस्ताद जोरी है जो आपकी तहकीक में तो शिया है और मुदल्लिस को यकीन और यहाँ आंसर बात कर रहे हैं। तो वो बेचारा ग्यारह में कभी शायद यहाँ से उठे वहां बैठ जाए, वहां से उठे वहां बैठ जाए। तो ये बात याद रखें कि ये जो जरा है, हम तो इसलिए इस किस्म की जरूहत में आवाम को डालना नहीं चाहते, इससे मुनकरीन हदीस को फायदा होता है, हमारा कोई फायदा नहीं होता। तो अब देखिए ये मैं एक मिसाल देता हूँ, हम जब हदीस पेश करते हैं मन सल्ला अलैहि इंदा कबरी समेत, हम वो सनद पेश नहीं करते जिसमें शुद्धि है। पहले तो ये भी याद रखें कि उसमें शुद्धि का होना भी यकीनन नहीं है। इमाम बाकी रहमतुल्लाह ताला मेरे पास है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि सनद में अबू अब्दुल रहमान है, और अबू अब्दुल रहमान कुनियत के बहुत से रावी हैं जिनमें खुद शुद्धि की कुनियत भी अबू अब्दुल रहमान है। वह अज़न्नहु अन्नहु शुद्धि, मेरा ख्याल है कि ये शुद्धि है, एक गुमान जिक्र किया, लेकिन आगे साफ लिख दिया कि शुद्धि भी हो तो हदीस के सही होने में शक नहीं, क्योंकि इसकी तईदात दूसरी अहादीस से हो रही है। अब ना तो ये उनके जन का जिक्र करते हैं और ना ये बाद वाली तईदात का जिक्र करते हैं, और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर खुद मौलाना सही साहब ने मिले चेक लिखी तरीर वाले में कि इसमें शुद्धि है। मैंने कहा जो सनद मैंने पढ़ी उसमें शुद्धि नहीं। दूसरा ये कि आत्मिक शुद्धि सबसे बड़ा जूता है ना, आप एक हदीस पेश कर दें जिसमें ये हो कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में माज अल्लाह बेजान है, अरवाहे मुकद्दसा का किसी किस्म का हयात का कोई ताल्लुक नहीं, और चलो वही पेश कर दें जिसमें शुद्धि हो। आपके पास तो न शुद्धि है न शुद्धा है, हाई कुछ नहीं। अब इस पर ये जब हम शुद्धि वाली संद पेश नहीं करते तो फिर कहते हैं कि जिसमें अबू मुआविया है वो शिया है और आम इस मुदल्लस है। अब आप हैरान होंगे कि ये जो सब परिंदों वाली रिवायत पेश किया करते हैं उसमें भी ये दोनों रावी हैं, अबू मुआविया भी मौजूद है और आमिस भी मौजूद है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब हदीस ये भी लेकर रख दे सनद से हम भी रख दें तो अब ये गैर मकबूल जरा नहीं कर सकेंगे। अब अगर हमारी सनद पर कहेंगे ये अबू मुआविया तो हम पूछेंगे कि ये अबू मुआविया वही है या और है कोई, जो आप रात दिन हदीस सुनाते उसमें वही रावी है, ये आम शुरू है या और है। इसलिए मैंने मरी अल्लाह बख्श साहब से अर्ज किया कि आप भी कम से कम एक हदीस तो पहले लिखा दे फिर सन पर बहस कर लेंगे। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह हदीस पहले मैंने पेश की है सन पर भी पहले बहस मैं ही आपसे करवाऊंगा, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आप हदीस लिखने के बाद गलत बहस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बाद में मेरी सन पर भी बहस होनी है, तो इससे बात भी जरा मुख्तर रहेगी और आवाम की समझ में भी आएगी। उसने कहा जी मैं हदीस की सनद पर तो एतराज नहीं करता, लेकिन इसमें दुनियावी का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा बर्फी का है? कहने का वो भी नहीं है। मैंने कहा फिर हदीस बेमकसद है? मैंने कहा अब इसकी तकरीर पहले मुझसे सुन ले जो हमारे उलमा ने की है। इस हदीस को उलमा ने मुतवातरात में शुमार किया। अब ये कि मुतवातर हदीस मुतवातर है,
अब इसमें जिस कब्र पाक का जिक्र है इस बारे में भी मुसलमान तो मुसलमान काफिर तक भी तस्लीम करते हैं कि हजरत की कब्र पाक मदीना मुनव्वरा में अम्मा आयशा सिद्दीका के पास, इसका आज तक किसी काफिर ने भी इनकार नहीं किया। इसलिए तारीख में ऐसे वाकयात मिलते हैं कि वो हजरत की लाश मुबारक को निकालने गए थे काफिर सुरंग लगा कर। तो मैंने कहा जिस तरह ये बात हदीस मुतवातर है, इस तरह ये भी इजमा और तवातर से बात साबित है कि ये कब्र हजरत पाक सल्लल्लाहु तआला की है, ये आप मानते हैं? ये तो मैं मानता हूँ। मेरे ख्याल तीसरी बात पर मसला हल हो जाएगा कि ये भी पूरे उम्मत का इत्तेफाक है कि इस कब्र पाक में हजरत का जिस्म पाक दुनिया वाला है, मिसाली नहीं है। वही जिस्म पाक जिस पर वही नाजिल होती थी, वही जिसने हिजरत की, वही जो जिहाद में जाकर आया, वही भी इमामत करवाता रहा, उसी जिस्म पाक को सहाबा ने इस कब्र पाक में रखा है, वो जिस्म मिसाली या और कोई जिस्म नहीं है। तो जब कब्र में यही जिस्म है तो हयात इसी जिस्म में साबित हुई ना, तो इसी जिस्म की हयात को बताने के लिए हम लफ्ज दुनियावी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जिस्म दुनियावी है। रहा ये कि इस वक्त अगर रज़ा पाक खुल जाए तो हमें यही महसूस होगा कि हजरत आराम फरमा है। हो सकता है वो उसमें रुकू में हो, सजदे में हो, इबादत में मशगूल हो, लेकिन वो क्योंकि हयात हमारे शऊर में आने वाली नहीं, इसलिए हमें तो ऐसे ही महसूस होगा कि हजरत आराम फरमाए। लेकिन जो अहादीस में आ गया कि आप वहाँ नमाज पढ़ते हैं, हमारी आंख देखे या ना देखे, तो जल्दी से एक दोस्त कहने लगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के बाद बाहर खड़े रहे लाठी के सहारे, तो किसी ने नहीं देखा कि वो नमाज पढ़ रहे। मैंने कहा उस हयात के बारे में हम खुद कहते हैं वलाकिन ला तशुरून, तो अगर तो किसी ने अपने शऊर की नफी की कि मेरे शऊर में उनकी अब नमाज नहीं आई, तो उसकी तो नफी कुरान को भी कर रहा है। और अगर ये है कि हकीकतन किसी नक में आ गया है कि वो जब तक बाहर खड़े रहे उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, तो ये आप साबित नहीं कर सकते। बल्कि अलामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह मुश्किलातुल कुरान ने इस आयत को भी हयात अंबिया अलैहिस्सलाम के दलील में पेश किया है कि उस लाठी को तो दीमक चाट गई क्योंकि उसने जान नहीं थी, लेकिन वो जिसमें अकदस है वो उसी तरह महबूद रहा, यानी ये पहचान भी नहीं हो रही थी इतने हंसने के बाद कि इस पर मौत वाक्य हुई है। इतनी सरोताजगी खुद हयात की दलील है, हयात की नफी की दलील नहीं। तो ये हदीसे पाक बिल्कुल वाजे है। जब मैंने मौलाना अला बख्तियार के लिए इस तरह इस्तेमाल किया तो मैंने कहा अब जिस तरह मैंने बात की है इसी तरह आप भी कुछ हमें समझा दें। कहने लगे जी मैं तो हयात बरसी का कायल हूँ। मैंने कहा बरसी का माना क्या आप करते हैं, बात वाजे होनी चाहिए। एक बरसी का माना वो है जो शुरू से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बयान करते आ रहे हैं, ये जहन में बात रखते। अक्सर जहाँ कहीं बरसी का लफ्ज नजर आ जाए तो ये हजरात समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ है और उनकी दलील है। नहीं, बरसी का एक माना ये है कि वो हयात उसके आसार हमारे हमसे पर्दे में हो, इसको सब सुन्नी मानते हैं। बरसी का एक माना गुजरात से न्याय चला है कि रूह का जिस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये आज तक किसी सुन्नी ने माना बरसी का बयान नहीं किया। इसलिए ये वजाहत करवा लेनी चाहिए कि आप बरदकी का वो माना तस्लीम करते हैं जो सब सुन्नी बता रहे हैं, या वो माना जो आज नया चला वो आप कर रहे हैं। तो ये ताल्लुक न होना किसी किस्म का, ये जो बरदकी का माना है ये कतन अहले सुन्नत वल जमात ने कभी बयान नहीं किया। अब कहीं लफ्ज रूहानी नजर आ जाएगा तो वो आवाम को दिखाएंगे कि देखो जी ये मसला तो इख्तलाफी है, देखो इख्तलाफ ने इस हयात को रूहानी लिखा है। भाई देखिए ये एक मुगालता है, इससे हमारी हयात के अकीदे पर कोई असर नहीं पड़ता। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी ये हयात जिस्मानी है या रूहानी? आप हजरात जिस्मानी है ना, तो आपने जब इसको जिस्मानी कहा तो रूह को मुर्दा मान लिया है, बावजूद कि आप सब यही कहेंगे ना ये हयात जिस्मानी है, लेकिन इसके बावजूद आप रूह को जिंदा मान रहे हैं। अब इसको जिस्मानी इसको रूहानी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यहाँ अव्वलन आसार जो है जिस्म पर जाहिर होते हैं, जैसे किसी को मारना है तकलीफ उतारे थप्पड़ से जिस्म पर मारा जाएगा और जिस्म के वास्ते से रूह को तकलीफ पहुंचे।
और ख्वाब में इसी दुनिया में आप देखते हैं कि रूह पर हालात पहले आते हैं, जिस्म पर बाद में वारद होते हैं। इसी तरह आलम बरज़ख में अवलियत रूह को हासिल है, अजाब सवाब पहले रूह पर आता है, उसके वास्ते से जिस्म पर आता है। तो इस हयात में यहाँ भी रूह भी जिंदा है, जिस्म भी जिंदा है, लेकिन अवलियत चूंकि जिस्म को हासिल है, रूह उसके ताबे है, इसलिए इस हयात को जिस्मानी कहा जाता है और इस जिस्मानी कहने से रूह की मौत साबित नहीं होती। वहाँ चूंकि अवलियत रूह को हासिल है, इसलिए उसको रूहानी कहा जाता है। उससे ये साबित नहीं होता कि जिस्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने ये तो लिख दिया कि हयात है। मैंने कहा कि देखिए, आपने ऊपर उनवान इश्तहार का रखा, इसमें भी मसला हयात अंबिया मसला, और नीचे आज क्या लिखी, इन्ना का मैयत हूँ भाई, इन्ना हूँ मैयत हूँ। ये अजीब बात है, उनवान हयात का है और नीचे जिक्र मौत का है। वो एक लतीफा है ना कि एक नौजवान आया, कहने लगा जी मैं ताजा ताजा कुरान पढ़ के आऊंगा, आज मैं वाज करूंगा और कुरान बयान करूंगा, किससे कामयाब नहीं होगी। इस साल ने सोचा कि कोई वास ही ना है, मैं क्या कह दिया, उन्होंने उसको कुछ कहे भाई इस वक्त नहीं है। एक दिन वाली साहब कहीं जुमे पर पहुंच न सके, गए हुए थे। अब लोग देखें कि कौन जुमा पढ़ाते हैं, चलो आज इसी को कह दो, कहा कि भाई आज आप कुरान सुना ले। कहा बिल्कुल, मैं कोई किसे कहेंगे गलत रहूंगा, गलत रहूंगा। खुद या ये हल्का फिर तो मुसलमानों नमाज पढ़ा करो, आयत इसमें पढ़ी कुल या युहल काफिरून, और तर्जमा करता है ओ मुसलमानों नमाज पढ़ा करो। तो जैसे उसने तर्जमा किया था, यहाँ भी उनवान हयात का है और नीचे आयत मौत वाली है। अब कुछ तो मुलाकात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि बहरहाल आप कुछ भी लिखें, लेकिन आयत शहादा पर आप मान चुके हैं कि इसे हयात का भी। अब झगड़ा रह गया है सिर्फ हयात और मौत के माने पर। इनका पहले आप मुझे मौत का माना बताएं क्या है। उन्होंने फौरन कहा कि मौत इसको कहते हैं कि रूह जिस्म से बाहर हो और जिस्म के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो। मैंने कहा भी सुन लिया आपने मौत का माना, तीन दफा मैंने उनसे पूछा, तीन दफा उसने यही माना बताया और ये तो बड़े शौक से बता लिया। अब मैंने पूछा कि आप जरा हयात का माना समझा दें मुझे। उसने तो कहा था कि रूह सर्द परिंदों में है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मसल ये था। अब जो झगड़ी जो लेकर दो तीन मरता कहता है, हयात का भी एक वही माना होता है जो मौत का होता है। मैंने कहा इससे ये बात वाजे हो गई कि कुरान पाक ने मुर्दा कहने से रोका था, जिसने ये जुमला इस्तेमाल कर दिया कि रूह का जिस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसने अगरचे लफ्ज मैयत और मुर्दा इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उसको मुर्दा कह दिया है, क्योंकि लफ्ज मफूम तो उसने वही अदा कर दिया। ये रजे में मेरी तकरीर थी तो मुफ्ती हमें सही साथ नहीं लाए हुए थे जो बंद थे। तो यहाँ मंडी बहाउद्दीन से सवाल गया था आज से दो साल पहले वहाँ देवबंद में इसी मसला हयातुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, तो मुफ्ती जफीरुद्दीन साहब ने 20 सफे पर लिखा जिसमें आयात अहादीस और उम्मत के इजमा इस मसले को साबित किया। लेकिन एक सफा आखिर में ये था कि जो लोग ये दूसरे हैं वो भी अहले सुन्नत वल जमात है, उनके पीछे नमाज बिला कराहत जायज है, इस पर जब कसरत थे मुफ्ती अहमद सईद साहब। तो मैं तो कादियानियों के सिस्टम में गया था, वहां रह गए, पता चला कि हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि किस तरह एक खतरा आया था, उस पर एक इस किस्म का नोट था आखिर में, और हम उस सईद साहब के दस्तक हैं वो जनाब हैं या कोई और बुजुर्ग हैं। मैं फरमाया कि वो मेरे ही दस्तक। मैंने कहा हजरत फिर आप समझ समझाएं कि आपका वो फतवा जो है वो यहाँ लड़ाई का बायस बन रहा है, तो आपने वो कैसे जान फरमा दिया कि ये लोग अहले सुन्नत वल जमात है, इनके पीछे नमाज दिलाकर आप जाएगा। मैं कि वो हयात को मानते नहीं। मैंने अर्थ किया, मैंने कहा हजरत हम इस वक्त रब्बे में बैठे हैं जी हाँ। मैंने कहा पूरी दुनिया में हम और यहाँ भी यही तकरीर कर रहे हैं कि मिर्जाई खत्म मुद्दे के मन करें कर रहे हैं। मैंने कहा आइए उठे मैं आपको मिर्जाइयों के मकान दिखाता हूँ रब्बे में। बाहर मोटा लिखा है पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ताकि जो बेचारे सादा लोग आए वो कहें कि मौली साहब सारी दुनिया में शोर मचा रहे हैं कि ये हजरत पाक को खातम नबीन नहीं मानते और इन्हें अपने दरवाजों पर लिख रखा है, दीवारों पर लिख रहा है कि हजरत पाक खातम नबीन है। तो मैंने कहा जैसे वो लफ्ज खातम नबीन नहीं छोड़ रहे लेकिन इसका माना वो नहीं मानते जो उम्मत में तवातर के साथ साबित है। वो इसका माना करते हैं कि खातम के माने मोहर होता है, हजरत पाक नबी घर से यानी मोरे लगा लगा कर नया नबी बनाया करते थे। अब लफ्ज खातम नबी उन्होंने नहीं छोड़ा लेकिन माना बिल्कुल गलत कर दिया। तो मैंने कहा इसी तरह ये हजरत लफ्ज हयात नहीं छोड़ते लेकिन माना ये कर रहे हैं कि रूह पाक का जिस्म पाक के साथ कोई ताल्लुक हयात का नहीं है और ये माना मौत का है हयात का नहीं। मौलाना फरमाने लगे कि ये कैसी हयात हुई। मैंने कहा आपने सब जो ये तहरीर फरमाया था कि ये इख्तलाफी मसला है आपने कैसे ध्यान फरमाया। मैंने कहा एक और मिसाल समझे हमारा और उनके मसले में इख्तलाफ के लिए मिसाल अर्ज करता हूँ, ये नहीं कि सारी बातें उर्द गिर्द बैठो। मैंने कहा हजरत को मेराज जिस्मानी हुआ या मकाशदार रूहानी था और मैं जिस्मानी हुआ। मैंने कहा अगर कोई शख्स ये लिख दे कि आपको ख्वाब में या जिसमें मिसाली या नूरानी को मेराज हुई इस जिस्म को नहीं हुई आप उसको मेराज का कायल मानते हैं। पर मैं नहीं कादियानियों से हमारा हयात मसीह पर झगड़ा चल रहा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी आखिरी किताब में जो उसकी जिंदगी में छपी नहीं मरने के बाद छपी है बराइन अहमदिया ईसा पंजम उसमें ये अल्फाज लिखे हैं ईसा अलैह सलाम का जिस्म के साथ आसमानों पर जिंदा जाना ये कुरान और हदीस से साबित है इसका मुझे कतअन इनकार नहीं। हाँ इन मौलवियों से मेरा झगड़ा इस बात पर हो गया है मैं कहता हूँ कि वो जिस्म मिसाली और नूरानी है और ये कहते हैं कि वो जिस्म दुनिया वाला है। मैंने कहा अगर आप फरमाएं कि क्या हमारे अकीदा हयात मसीह और मिर्जा कादियानी के अकीदा हयात मसीह में फर्क है या नहीं। फरमाया बिल्कुल फर्क है। तो आप उसे हयात मसीह का कायल मानेंगे। फरमाएंगे बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देखिए एक और मिसाल ले कलमा शरीफ हम भी पढ़ते हैं मिर्जाई भी पढ़ रहे हैं रुके तो नहीं तो इसके अल्फाज वही है पहले कदम का दूसरा कदम तर्जमा जो हम करते हैं वो भी वही करते हैं तर्जमे में फर्क नहीं डालते। तीसरे नंबर पर वो जाकर ये कहते हैं कि इसमें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है उससे मुराद मिर्जा कादियानी है। तो अब आप उनको कलमा वो मानेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैंने कहा यहाँ भी जो जिमनी इख्तलाफात हैं हम उनको बिल्कुल इख्तलाफ ही समझते हैं न छेड़ना चाहते हैं। जैसे नमाज पढ़ना हजरत से यकीन साबित है रफाई जहन के साथ पढ़ी या बगैर रफाई जहन के ये एक जिन्नी इख्तलाफ है इसको बुनियाद बना के सिरे से हजरत के नमाज को नमाजी होने का इनकार कर देना ये बात गलत है। तो मैंने कहा मौत की कैफियत क्या थी मौत के सारे कायल हजरत ननौत भी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिस तरह नींद काफिर को भी आती है मुसलमान को भी आती है नबी को भी आती है लेकिन नबी और गैर नबी की नींद की कैफियत में फर्क होता है। आम आदमी हमें नींद आ जाए हमारा वजूद डूब जाता है इसलिए नहीं कि नींद नापाक है इसलिए हजरत ने वजह बयान फरमाई कि उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं और ये गालिब गुमान हो जाता है क्योंकि हवा वगैरह खारिज हो गई हो लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम को ऐन सोए नींद की हालत में भी अपने पूरे जिस्म का इतना इल्म होता है कि हवा खारिज हुई या नहीं हुई इसलिए उनका वजू नहीं टूटता। फरमाते हैं कि हमारी आंखें सोती हैं दिल बेदार रहता है हमारी नींद में आंखें भी सोई हुई है दिल भी सोया हुआ है। नबी के लिए भी लफ्ज नींद ही इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उनकी सिर्फ आंखें सोई हुई है दिल जो है वो बेदार है। इसी तरह अगर नबी की मौत की कैफियत में भी दूसरों से फर्क हो कि नबी को जो अल्लाह ताला ने हयात अता फरमाई है वो सिर्फ मस्तूर हो उससे और जायल न हो जैसे पानी मैंने मिसाल दी है कि पानी की ठंड उसकी जाती चीज है उसको गर्मी जो है वो बाहर से आती है और बाहर